बसमीम् अल्लाक फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ड्रग यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन सो दीज आर द मेन कंटेंट्स इन दिस चैप्टर सो सबसे पहले हमें एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है देन मोस्ट कामनली यूज ड्रग एंड दिन इफ़ेक्ट्स एंड एक्शन ऑफ दोज ड्रग्स एंड लास्ट में उनकी नर्सिंग एजुकेशन अब हम देखते हैं कि करिकुलम के हिसाब से कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के सो so, सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है वो है डिफ़ाइन द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग कैटेगरी दैट इज़ यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इन्फेक्शन इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स बायोटिक्स एंटी फंगल्स एंटी पैरासाइटिक्स एंटी मलेरियल एंड एंटी वायरल अब ये बहुत सारी ड्रग कैटेगरी है जो कि फाइट करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ठीक है तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स को अब हमारे पास जैसे कि चैप्टर का नाम है ड्रग यूज़ टू तो ट्रीट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन यानी कि वो ड्रग्स जो यूज़ की जाती हैं इन्फेक्शन को ट्रीट और प्रीवेंट करने के लिए अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन है क्या इन्फेक्शन अकर्स व्हेन जर्म सच इस बैक्टीरिया वायरस फंजाई और पैरासाइट्स एंटर द बॉडी एंड मल्टीप्लाई अब इन्फेक्शन तब होता है जब किसी भी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया आ गया वायरस फंजाई और पैरासाइट वो हमारे बॉडी में इंटर होते हैं एंटर होने के बाद मल्टीप्लाई होकर इलनेस काज करते हैं एंड ऑर्गन या फिर टिश्यू को डैमेज करते हैं जिसकी वजह से हमें डिजीज़ होती है तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्फेक्शन इन्फेक्शन किससे काज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जिस जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया वायरस फंजाई और पैरासाइट्स आ जाते हैं सो द काज ऑफ एन इन्फेक्शन इज़ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ एंटर द बॉडी अब जो इन्फेक्शन का काज़ है वो मैंने पहले ही आपको बताया कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो कि हमारी बॉडी में एंटर होकर आया है वो वायरस हो सकता है बैक्टीरिया हो सकता है या फिर फंजाई हो सकता है अब हम देखते हैं कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किया गया इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं सो so, सबसे पहले जो है एंटीबायोटिक्स अब एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए देते हैं अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन किससे होता है बैक्टीरिया से होता है और एंटीफंगल यानी फंगस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम एंटी फंगल यूज़ करेंगे एंटी पैरासाइटिक यानी जो इन्फेक्शन पैरासाइट से हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी पैरासाइट्स यूज़ करेंगे एंटी मलेरियल मीन्स फॉर मलेरिया एंड एंटी वायरल मीन्स फॉर वायरल इन्फेक्शन यानी जो वायरस ने इन्फेक्शन काज किया है उसको ट्रीट एंड प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी वायरल को डि डिस्कस करेंगे ठीक है यानी उसको यूज़ करेंगे सो so, आज हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स को सो एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या है दीज आर द मेडिसंस दैट फाइट्स अगेंस्ट बैक्टेरियल इन्फेक्शन इन बोथ एनिमल एंड पीपल अब एंटीबायोटिक्स एक मेडिसन है जो कि फ़ाइट करती हैं किससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन पीपल में भी हो सकता यानी इंसानों में भी हो सकता है और एनिमल्स में भी हो सकता है दे वर्क बाय आइदर किलिंग द बैक्टीरिया और बाय मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई अब जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कैसे काम करती हैं कैसे फाइट करती है बैक्टीरिया से तो एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को या तो किल करती है या फिर उनके लिए डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करती है ताकि बैक्टीरिया जो है वो ग्रो और मल्टीप्लाई ना हो सके सो so, ये ही काम है जो एंटीबायोटिक करके एंटी बाक्टेरियल यानी सॉरी बैक्टेरियल इन्फेक्शन को ट्रीट और प्रिवेंट करता है अब एंटीबायोटिक्स जो है वो कौन कौन से रूट से हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं एंटीबायोटिक कैन बी टेकिन इन डिफरेंट वेज जिसमें हमारे पास आ जाता है ओरली यानी बाय माउथ टॉपिकली अप्लाइड टू स्किन अब टॉपिकली हम स्किन की सरफेस के ऊपर यानी कि जो जेल और क्रीम्स अप्लाई करते हैं उसको हम टॉपिकल रूट बोलते हैं तो हम टॉपिकली भी एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं और थ्रो इन इंजेक्शन और इंट्रावेनियसली फॉर मोर सीवियर इन्फेक्शन अगर हमारे पास बैक्टीरिया का कोई सीवियर इन्फेक्शन है तो उसको हम ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन यानी इंट्रावीन्यूसली भी दे सकते हैं सो so, अब हमें ये पता चल गया कि एंटीबायोटिक्स जो होती है वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होती है ठीक है और कहीं पर भी हम यूज़ नहीं कर सकते एंटीबायोटिक्स को अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है एंटीबायोटिक्स की कैसे दरियाफ्त हुए एंटीबायोटिक्स सो so, द फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रो इन द हिस्ट्री ऑफ़ एंटीबायोटिक्स कैम विथ दी एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ पेनसिल अब एंटीबायोटिक्स जो है वो और कोई इसको डिस्कवर नहीं करना चाह रहा था लेकिन ये क्या है एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है अब अब एक्सीडेंटल डिस्कवरी किसको बोलते हैं कि हम डिस्कवरी किसी और चीज़ की कर रहे हैं किसी और चीज़ के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं लेकिन एक्सीडेंटली हमें कुछ और मिल गया तो उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी तो जो एंटीबायोटिक्स है वो भी एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी किसने डिस्कवर की थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में अब वो कैसे उसने डिस्कवर की थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कवरी कर रहा था तो उसके पास पेनिसिलिन नोटेटम पड़ा था तो इस्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कवरी करते हुए आ, उसे यानी कि कभी कुछ वेस्ट हो जाता है तो उस उन्होंने क्या किया स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया को एज अ वेस्ट उन्होंने आ, रख दिया किसके करीब पेनिसिलिन नोटेटम के करीब तो तब क्या हुआ कि जो पेनिसिलिन नोटेटम यानी पेनिसिलिन क्या है जो एंटीबायोटिक्स को किल क... जो एंटीबायोटिक्स जिससे बनते हैं यानी जो बैक्टीरिया को किल करती है उसको हम पेनिसिलिन भी बोलते हैं ठीक है तो उससे क्या हुआ कि जो स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया है वो मरने लग रहे थे उसको कौन मार रहा था पेनिसलन पेनिसिलियम नोटेटम अब जो पेनिसिलिन है वो किससे डिस्कवर हुई है वो किससे बनी है पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से ठीक है तो ऐसे ही पेनीसिलेम की यानी जो एंटीबायोटिक्स है उसकी डिस्कवरी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी दिस लेड टू द आइसोलेशन एंड मास प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन विच प्रूव टू बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके बाद ही क्या हुआ उन्होंने बहुत सारी पेनिसल्स को प्रोड्यूस किया जो कि बहुत इफ़ेक्टिव थी किसके लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए तो यहाँ पर 1940 से 1962 तक के इराको को ये गोल्डन एज बोलते थे गोल्डन एज ऑफ एंटीबायोटिक्स विकास बिकॉज दिस इस पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स इन्होंने बनाई ठीक है और उसको मॉडिफाई करके डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करके बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई जो आज तक हम यूज़ कर रहे हैं ठीक है अब हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स वाट डू एंटीबायोटिक्स ट्रीट अब एंटीबायोटिक्स क्या क्या ट्रीट कर सकती हैं एंटीबायोटिक्स ओनली ट्रीट सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज एस्ट्रेप थ्रोट यूरनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड ईकोलाई अब जब हमारे पास बात आती है एंटीबायोटिक्स की तो एंटीबायोटिक्स ओनली एंड ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है जिसमें हमारे पास स्ट्रेप थ्रोट जो कि बैक्टेरिया की वजह से होता है यूरनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड ई कोलाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट एंटीबायोटिक आर नॉट नीडेड फॉर ऑल बैक्टेरियल इन्फेक्शन एंड टैकिंग एंटीबायोटिक्स वैन दे आर नॉट नीडेड कैन बी इनफेक्टिव एंड मे हैव साइड इफ़ेक्ट्स अब हमें ये बात ध्यान में रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ही आप एंटीबायोटिक्स को यूज़ नहीं कर सकते एंटी बायोटिक्स यूज़ करने के लिए हमें डॉक्टर से प्रस्क्रिप्शन लेनी होगी अगर हम ओवर एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास इनफेक्टिव हो जाएगा और उसके मज़ीद कॉम्प्लिकेशन और साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे एंटीबायोटिक्स के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं अब अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर डोज एंटी का ले रहे हैं ऐसे ही तो एंटीबायोटिक्स का क्या होगा जो बैक्टीरिया है वो उन एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस कर लेगा जिसकी वजह से अगर हम नेक्स्ट टाइम हमें कोई डिज़ीज़ होती है तो वो हम अगर एंटीबायोटिक्स फिर से यूज़ करेंगे तो वो उतने असेसबल या फिर वो इतने अच्छे नहीं होंगे कि वो हमारे बैक्टीरिया को किल करें या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करें इसीलिए हमें परहेज़ करना चाहिए एंटीबायोटिक्स को ऐसे बिला वजह यूज़ करने के लिए सो एंटीबायोटिक्स डज नॉट वर्क ऑन वायरस फंगस एंड मलेरिया बात आपने एनी हाउ याद कर लेनी है कि एंटीबायोटिक्स ओनली एंड ओनली वर्क ऑन बैक्टेरियल इंफेक्शन अभी हमारे पास कि व्हाट एंटीबायोटिक्स कैन एंड कॉन्ट डू अब एंटीबायोटिक्स वो क्या कर सकती हैं? एंटीबायोटिक्स आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू स्पोक स्टॉप uh, इन्फेक्शन अब जो एंटीबायोटिक्स है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है ताकि जो बैक्टीरिया से किया गया इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाए यानी रुक जाए वो और वो कैसे वर्क करती हैं द वर्क बाय आइदर किलिंग द बैक्टीरिया अब जो एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टेरी साइडल भी हम उसको बोलते हैं क्योंकि वो बैक्टीरिया को किल करती है और बाय प्रिवेंटिंग फ्रॉम देम फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग अब वो प्रिवेंट भी करती है उनको उसको मार तो नहीं सकती लेकिन बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती है उसको रोक के रखती है कि वो मज़ीद जो है रिप्रोडक्शन खुद की ना करे अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो अगेन क्या होगा जो बैक्टीरिया है उसको आ, किल करने में आसानी होगी और जल्दी से किल भी हो जाएगा और हमारा जो इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट हो जाएगा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेन ये फिर से वही बात आ गई कि एंटीबायोटिक्स डो नॉट वर्क ऑन वायरल इन्फेक्शन यानी अदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया से अलग है तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करती दे आर एफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक बैक्टेरियल इन्फेक्शन ठीक है